स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल रंगरेज व्लॉग्स में। दोस्तों आज हम हैं अजमेर में, तो अजमेर में यहाँ पर अना सागर घूमने आए थे। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पार्क है और हम पार्क के अंदर आ चुके हैं जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर अंदर आने के लिए आपको 25 रुपये पे करने होते हैं और छोटे बच्चों के 12 साल के जो नीचे हैं उनको टिकट नहीं लगता है उनका। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत छोटा सा गार्डन है, काफ़ी बड़ा नहीं है या पार्क भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ फ़ोटो वोटो शूट करने के लिए देखिए सामने, देखिए आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं फ़ोटो वोटो, अच्छे फ़ोटो आते हैं यहाँ से। और आप सामने देख सकते हैं वो टापू है और यहाँ पर टापू पर मैंने देखा कि टापू है, तो वहाँ पर कैसे जाया जाए पता लगाया, तो पता लगा कि वहाँ पर बोट से जाया जाता है। तो बोट से जाने के लिए आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर, वहाँ से बोट जो जा रही है वहाँ टापू पे। तो चलिए वहाँ पर हम चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे हम वहाँ पर गए, और यहाँ पर फटाफट आपको दिखाते हैं कि कैसे हम वहाँ पर टापू पे गए। तो ये टापू पे जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए जो स्पीड बोट है वो आपको 200 रुपये पे करना होगा। स्पीड बोट में क्या है कि आपको पूरा झील का चक्कर लगाएगा 3 मिनट का, और जो मोटर बोर्ड है वो आपको 100 रुपये का चक्कर लगाएगा, ठीक है। 100 रुपये में आपको 20 मिनट का राइड कराएगा, और टापू पे जाने के लिए भी 100 रुपये है, वहाँ पे स्पीड बोर्ड नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिकट खरीद चुका हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पर और भी सवारी आने का, क्योंकि इस पर बैठने के लिए कम से कम 10 लोग तो ज़रूरी हैं, 6-7 लोग और। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि कुछ लोग आ जाएं और बैठ जाएं और चलें टापू पे। आखिर टापू पे है क्या और वहाँ पर क्या क्या है, तो वहाँ तो आपको दिखाने वाले हैं आखिर टापू पे है क्या वहाँ पे। तो हम यहाँ पर देखिए कुछ लोग आ चुके थे तो हम बैठ चुके हैं बोट पे, तो बोट पे बैठ चुके हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है बोट, अब चलते हैं टापू पर। देखिए टापू यहाँ से झील के किनारे से टापू पे जाने के लिए मात्र 2 मिनट का समय से भी कम लगता है, तो यहाँ पर हम फटाफट आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए उतर गए हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पे उतरते हैं और इस अंदर जाते हैं। तो यहाँ का जो टापू का जो नाम है आइलैंड टापू नाम है, ठीक है। तो आइलैंड टापू आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जाने अंदर जाने के लिए जो हम लोग टिकट लेके आए थे, तो यह मैडम यहाँ पर वो टिकट ले रही हैं, तो यहाँ पर मैं फटाफट इनको अपना टिकट दे दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने टिकट यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर देखिए आया हूँ आइलैंड टापू पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आने का फ़ायदा क्या है, देखिए बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो यहाँ पर आइए वरना ना आइए। देखिए बच्चे के लिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे झूले टाइप में आपको देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे मस्ती मौज कर सकते हैं। तो हमारे साथ में 2-3 बच्चे थे तो यहाँ पर वो कर रहे थे मस्ती, तो वो उनको छोड़ दे मैंने मस्ती करने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का छोटा सा नज़ारा और टापू पे क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको खाने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चाइनीज़ आइटम मिल सकते हैं यहाँ पर खाने के लिए, और अच्छे पार्क जो है छोटा सा गार्डन जो है यहाँ पर बैठने के लिए भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पानी की बोतल और पेटीज यहाँ पे ली और मैंने खाया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा। तो देख सकते हैं आप सामने एक एलिफेंट खड़ा हुआ है, तो ये एलिफेंट बोलता है तो आज वो बोल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नाराज था वो आज, बाकी सब लोग तो बोल रहे थे। देखिए ये है डायनासोर आप देख सकते हैं कैसे वो जैसे सही से नहीं जिंदा, ऐसा लग रहा है जिंदा है वो, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो मेरा बच्चा था जो छोटा वाला आज वो डर गया था, उसे डर लग रहा था। तो यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़मानुष को हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, आप लोग क्या कहते हैं तो कमेंट करके बताएं। देख सकते हैं ये भी यहाँ पर ये बोलता है, देख सकते हैं जैसे ये मतलब स्पीकर फिट होता है और जिंदा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे मैंने इसको बोल रहा था, इससे भी बच्चे लोग डर रहे थे कि मतलब ये जिंदा है। अब यहाँ से आपको तारागढ़ दिखाई देगा, टावर देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए, यहाँ पर वापस झील के किनारे आ गए जहाँ से बोट स्टार्ट की थी। अब यहाँ पर मुझे घूमना था स्पीड बोट। स्पीड बोट का 200 रुपये है और बच्चों का 100 रुपये है,
मतलब दो बच्चे में एक टिकट लेना होगा 100 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर 6 लोग बैठते हैं और बैठ गए यहाँ पर। पूरा मस्ती करने के बाद हम लोग, ये राइड जो है वो 3 मिनट का राइड है, पूरा जो अन्ना सागर के चारों तरफ आपको घुमाएगा और घुमाने के बाद वापस आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम वापस आ गए, और यहाँ पर आने के बाद कुछ मिनट इंतज़ार किए, उसके बाद गार्ड ने बाहर कर दिया। तो आगे चल के झील के किनारे किनारे मतलब एक गार्डन टाइप में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देख सकते हैं यहाँ पर शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद कुछ इस तरह से लगता है, इसको चौपाटी कहते हैं, और देख सकते हैं कुछ इस तरह नज़ारा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।